नमस्कार दोस्तों, पुराना क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा लोक संस्कृति में लोक देवता व लोक देवियाँ। लोक देवता व लोक देवियाँ, इनकी परिभाषा वे महापुरुष जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया है, मानव के रूप में जन्म लिया हो। वे महापुरुष जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया हो तथा लोक कल्याणकारी कार्यों को करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तथा बाद में देवता व देवी के रूप में देवी के रूप में पूजे जाने लगे हो। वे महापुरुष जिन्होंने मानव के रूप में तो जन्म लिया है तथा किसी लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तथा वे बाद में चलकर लोक देवता लोक देवी के रूप में पूजे जाने लगे हो। लोक देवता या लोक देवियाँ कहलाते हैं, जैसे लोक कल्याणकारी, गोरक्षा, अन्य किसी कार्य जो समाज के हित में हो, अर्थात खुद के या स्वयं के हित में न होकर समाज के लोक कल्याणकारी हित में हो, जैसे सभी गोरक्षा हो, कोई भी अन्य कार्य, तो इनके लोक देवता व देवियों के मंदिर होते हैं, उन्हें मेडी या देवरा कहते हैं। नाभा, आपने कभी नाम सुना? नाभा क्या है? नाभा देवता व देवियों लोग देवता व देवियों के धातु के बने डोरा होते हैं, उन्हें नाभा कहते हैं। अभी चिरजा
चिरजा, चिरजा क्या होता है भाई? चिरजा, चिरजा लोक देवता व देवी, लोक देवता व देवी, लोक देवता व देवी के रात्रि जागरण, रात्रि जागरण के समय, रात्रि जागरण के समय आराधना करते हैं। आराधना करते हैं उन्हें चिरजा कहते हैं। लोक देवियाँ वे लोक देवता वे महापुरुष जिन्होंने मानव के रूप में तो जन्म लिया तथा लोग किसी लोक कल्याणकारी कार्य को करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए। और जैसे वीरगति को लोक कल्याणकारी कार्य जैसे गोरक्षा, किसी कार्य जो अपने हित में हो, समाज के हित में हो, ना कि खुद के हित में हो, कैसे समाज के हित में हो लोक कल्याणकारी कार्य कहलाता है। तथा वीरगति को प्राप्त हो गए हों तथा बाद में चलकर देवता या देवी के रूप में पूजने लगे हों, उन्हें लोक देवता कहते हैं। मंदिर, लोक देवता या देवी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेड़ी या देवरा। नाभा, देवता व देवियों के धातु के बने डोरा होते हैं, धातु के बना डोरा जो अपना हाथ में बांधते हैं या गले में पहनते हैं उन्हें नाभा कहते हैं। चिरजा, लोक देवता व देवी के रात्रि जागरण की के आराधना के समय, रात्रि जागरण करते हैं, देवी देवता की आराधना करते हैं उनके समय उन गाते हैं उन चिरजा कहते हैं। ठीक, जो लोक देवता व देवियों पंचपीर जो पांचों पीर हुए, जो मुख्य देवता जो पांचों पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, पंचपीर बाबूजी, अड़बूजी, मेहाजी, मेहाजी, गोगा जी, रामदेव जी, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, अड़बू जी, मेहा जी, ये पंचपीर के नाम से पूजनीय थे। बाबू जी, अड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी, रामदेव जी। आगे अपन मुख्य देवता, जो अपन का मुख्य देवता पूजनीय है वह है रामदेव जी। अपन रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। अब रामदेव जी, रामदेव जी रामदेव जी के उपनाम सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता राम सापीर
जो मुस्लिम मुस्लिम रामदेव जी को अपनाओ, राम सांप्रदायिक सद्भाव के देवता राम सापीर, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता राम सापीर के राम सापीर के नाम से जाना जाता है। इनको रुणेचा रुणेचा का धनी रुणेचा का धनी इनको कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। कृष्ण का अवतार कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। इन रामदेव जी के बाबा रामदेव जी है, उनके उपनाम हो गए सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे। राम सापीर के नाम से भी जाना जाता था इन्हें, रुणेचा का धनी रुणेचा का धनी के नाम से भी जाना जाता था, और कृष्ण का अवतार भी मानते थे इनको। इनका जन्म बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी को, आपकी गाइड में दे रखा होगा 1358, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है 10वीं क्लास उसमें 1352 ही है, 1352 ईस्वी। तो इनका जन्म 1352 ईस्वी को शिव तहसील जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर शिव तहसील रामदेव जी को उपनाम हो गए सांप्रदायिक सद्भाव के देवता थे। राम सापीर के नाम से जाना जाता था इनके, रुणेचा के धनी के नाम से भी जाना था, कृष्ण का अवतार भी मानते थे। इनका जन्म 1352 ईस्वी को शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, और इनका जन्म 1352 ईस्वी को शिव तहसील बाड़मेर में 1358, जो आपकी गाइड हैं उनमें 1358 दे रखा है ना। तो दसवीं क्लास बोर्ड है उसमें 1352 ही दे रखा है। बाबा रामदेव जी का उपनाम सांप्रदायिक सद्भाव के देवता था, राम सपी के नाम से जाना था, रुणेचा का धनी, कृष्ण का अवतार, जन्म 1352 ईस्वी को शिव तहसील जिला बाड़मेर में। पिता का नाम अजमल, तवर वंशीय शासक, तवर वंशीय शासक राजपूत कौन थे? अजमल जी तंवर तवरवंशीय शासक राजपूत थे। माता का नाम मैणा दे माता का नाम मैणा दे थे। पिता का नाम अजमल तवरवंशीय शासक थे, माता का नाम मैणा दे। गुरु बाबा रामदेव के गुरु थे बालीनाथ जी इनके गुरु थे। इनके भाई का नाम वीरमदेव जो इन्हें बलराम का अवतार मानते थे। बलराम का अवतार भाई
बलराम वीरमदेव थे, इनको बलराम का अवतार मानते थे। इनकी बहन बहन इनकी बहन थी, इनकी बहन का नाम, इनकी बहन का नाम था सुमना कंवर, सुमना कंवर, सुमना कंवर। इनके गुरु बालीनाथ जी, भाई वीरमदेव जी बलराम का अवतार मानते थे, बहन सुमना कंवर। इनकी बहन सुमना कंवर थी, जन्म 1352 ईस्वी को, भाई वीरमदेव थे, इनको बलराम का अवतार मानते थे। बाबा रामदेव, रामदेव इनकी मुंह मुंह बोली बहन, या बोले तो धर्म की बहन, धर्म की बहन। धर्म की बहन डाली बाई मेघवाल जाति की थी। कौन थी? डाली बाई, जो मेघवाल जाति की थी। मुंह बोली बहन या धर्म की बहन मेघवाल जाति की थी। अब आगे बात करें रामदेव जी का विवाह, विवाह विवाह अमरकोट, अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। जो वर्तमान में पाकिस्तान में महाराजा सोडा, सोडा दल सिंह, दल सिंह या दल सिंह बोल दो, की पुत्री की पुत्री अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में महाराजा सोडा, उनकी पुत्री महाराजा सोडा दल सिंह की पुत्री, इनकी दल सिंह की पुत्री नेतल दे, नेतल दे अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में महाराजा सोडा दल सिंह की, दल सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ, जो जाने जाते थे नेतल दे भरतार, नेतल दे भरतार, बाबा रामदेव ही जाने जाते थे, रामदेव। नेतल दे भरतार बाबा रामदेव को ही जाना जाता था। बाबा रामदेव एकमात्र, एकमात्र कवि थे, कवि थे जिन्होंने चौबीस, चौबीस वाणियां लिखी, चौबीस वाणियां लिखी इन्होंने। एकमात्र कवि थे बाबा रामदेव, जो इन्होंने चौबीस वाणियां लिखी। बाबा रामदेव
का जन्म 1352 ईस्वी को शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनका पिता का नाम अजमल जी तंवर तंवरवंशी है, राजपूत शासक थे। माता का नाम वीणा दे, भाई का नाम बीरमदेव, गुरु का नाथ बाली गुरु का नाम बालीनाथ था इनके गुरु का नाम। इनकी बहन का नाम सुमना था और रामदेव बाबा रामदेव की मुँह बोली बहन या धर्म की बहन डाली बाई जो मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में उन वहाँ महाराजा सोडा दैल सिंह की पुत्री नेतल देव से हुआ। नेतल देव भरतार बाबा रामदेव को ही जाना जाता है, नेतल देव भरतार के नाम से ही बाबा रामदेव को जाना जाता है। एकमात्र कवि थे जिन्होंने 24 वाणियाँ बाबा रामदेव एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 24 वाणियाँ लिखी। बाबा रामदेव 24 वाणियाँ लिखी थी। बाबा रामदेव कांवड़िया पंथ या संप्रदाय कांवड़िया पंथ या संप्रदाय की स्थापना बाबा रामदेव ने ही की थी। आगे चलते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर देवरा बाबा रामदेव के मंदिर देवरा कहलाते हैं। पचरंगी पचरंगी ध्वज भाई पचरंगी ध्वज नेजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेजा। और रात्रि जागरण जो रात्रि में जागरण होता है जम्मा उन्हें कहते हैं। जम्मा क्या कहते हैं उन्हें? जम्मा जो रात्रि जागरण होता है उन्हें जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। लोक देवता देवियों में रामदेव जी मंदिर देवरा कहलाते हैं। पचरंगी ध्वज नेजा रात्रि जागरण जम्मा कहलाते हैं। रात्रि जागरण जम्मा बाबा रामदेव जी के यात्रियों को क्या कहते हैं? जातक। क्या कहते हैं? जातक। और जो मेघवाल जाति के भगत उन्हें कहते हैं रिखिया। मेघवाल जाति के भगत को क्या कहते हैं? रिखिया। इनका वास कदंब कदम के वृक्ष में इनका वास होता है। बाबा रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। पचरंगी ध्वज नेजा कहलाता है। इनका वास कदम के वृक्ष में होता है। मेघवाल जाति के भगत इनको भगतों को क्या कहते हैं? रिखिया। क्या कहते हैं? रिखिया। रात्रि जागरण जम्मा यात्रियों को जातक कहते हैं। मेघवाल जाति के भगत इनको रिखिया कहते हैं। वास को कदम के वृक्ष में इनका वास होता है। चरण वास कदम के वृक्ष में चरण को पगल्या इनके चरणों को क्या कहते हैं? पगल्या। क्या कहते हैं इनके चरणों को? पगल्या।
रामदेव जी के, बाबा रामदेव ने उनके कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव की समाधि कहाँ बनी हुई है? रामदेवरा जैसलमेर। कहाँ बनी हुई है? रामदेवरा जैसलमेर में समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर में बनी हुई है। खड़े समाधि स्थल जैसलमेर में है। बाबा रामदेव की फड़े रावणता वाद्यंत्र। बाबा रामदेव कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, रावण हत्ता वाद्यंत्र। बाबा रामदेव का मुख्य मंदिर रुणेचा में है। इसका निर्माण 1931 ईस्वी में गंगा सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था 1931 ईस्वी में गंगा सिंह ने करवाया। रुणेचा रामदेवरा। एकमात्र लोक देवता रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। एकमात्र लोक देवता जिनका सबसे लंबा गीत है वो है बाबा रामदेव का। अब अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाबा गोगा जी, पढ़ेंगे अड़बू जी, पाबू जी, मेहा जी, इनके पंच पीरों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। बाबा रामदेव का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को।